हनुमान जी के कौन से पाठ को कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, किसको करना चाहिए और तो की सीमाएं कहां तक हैं हनुमान जी के पूजा पाठ के मामले में। बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। अभी मेरे हाथ में जो किताब है वो किताब है श्री हनुमान चालीसा संपुट सहित। यह जो है हनुमान चालीसा इसमें वर्णित किया गया है और इस किताब को जो लिखे हैं वो आध्यात्मिक लेखक डॉक्टर पंकज पांडे हैं। अब हम इनसे यही जानने का प्रयास करते हैं कि जब हनुमान चालीसा कई लोगों ने लिख चुके हैं तुलसीदास के बाद, तो फिर आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और इस किताब में क्या खास है। स्वागत है आपका डॉक्टर पंकज कुमार जी, आप ये बताइए कि ये हनुमान चालीसा क्यों लिखना पड़ा। ओम हंग हनुमते नमः। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में मैंने कुछ नहीं लिखा, बाबा तुलसीदास जी की अमर कृति हनुमान चालीसा है। लेकिन हनुमान चालीसा में भगवान, हनुमान चालीसा के अलावे भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है, मैंने इसमें लिखा है, बंदव नाम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को महिमा जास जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम कहाऊ सहस नाम सम सुनसिय बानी अजपि जय सिय पंगस संग भवानी। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि राम का नाम कलयुग में विशेष महत्वकाली, सात लोगों को अमर माना गया है, उसमें अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परस्य रामस्य सप्ते जीवन। तो ये जो अमर लोग हैं उसमें बजरंग बली भी हमारे हैं और राम के नाम की महिमा स्वयं भगवान शंकर ने की है। तो कई स्वामी महामंडलेश्वर, स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, ये लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानस कथावाचक हैं। इनको सुनने के बाद हनुमान चालीसा रामचरितमानस की व्याख्या पर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि राम नाम की जब विशेष महिमा है तो क्यों ना एक संपुट के साथ में हनुमान चालीसा को आगे बढ़ाया जाए। मेरा संकल्प है 11,000 हनुमान चालीसा अपने से हम लोगों ने छपवा करके बंटवाया है। ये संपुट हनुमान चालीसा जो है हर नाम के पीछे राम नाम का जाप होता है। इसमें तुलसीदास जी ने एक पंक्ति अपनी लिखी है, उसमें जो सत बार पाठ कर कोई अछूट ही बंदी महासुख होई। उन्होंने कहा है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। एक तरफ ये बात समझ में आती है और दूसरी तरफ भगवान स्वयं शिव ने कहा है कि महिमा जास जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम कहाउ सहस नाम सम सुने सियावान जपि जय पिया संग भवानी। तो राम नाम की महत्ता को ये बात समझ में आई कि अगर संपुट हनुमान चालीसा का प्रचार प्रसार किया जाए तो 100 हनुमान चालीसा के पाठ से एक संपुट हनुमान चालीसा का पाठ अगर आदमी करे तो 100 हनुमान चालीसा के पाठ का बल मिलता है। अलावे इसके इस छोटी सी पुस्तिका में मैंने ये प्रयास किया हुआ है कि हनुमान जी से संबंधित, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु, सुंदरकांड, साबर मंत्र और हनुमद वडवानल, ये तंत्र के मंत्र हैं, इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। तो हनुमान जी के कौन से पाठ को कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, किसको करना चाहिए और तो की सीमाएं कहां तक हैं हनुमान जी के पूजा पाठ के मामले में, इसका छोटा सा इसमें हमने ये किया है। प्लस हनुमान चालीसा किन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान चालीसा पढ़ा तो हमने भी बहुत है, ये सारी वर्णन इसमें है जी। उसमें ये दिया है कि हनुमान चालीसा की प्रेरणा तुलसीदास जी को कैसे मिली। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ी जाने वाली पुस्तिका, अगर धार्मिक पुस्तिका है तो ये हनुमान चालीसा है। तो हनुमान चालीसा में मैंने प्रयास किया हुआ है कि इस कलयुग के अमर देवता, अभीष्ट देवता, वायु नंदन, वायुपुत्र, समस्त वायु रोग के निदान करता, अधिष्ठाता बजरंग बली को मैं जन जन तक पहुंचाऊं, मेरा ये प्रयास रहा है। ये डॉक्टर पंकज जी ये बताइए कि अगर ये हनुमान चालीसा चाहिए तो कैसे मिलेगा, लोगों को कैसे मुहैया होगा जी। मेरा ये प्रयास है
कि इसमें कोई राशि किसी की न लगे। तो जैसे अभी मैं जहानाबाद में बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे भाई कोई भक्त अगर इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि 100 पीस छपवा के हमको भिजवा दीजिए, तो प्रयास ये रहता है कि जो थोड़ा बहुत लागत में बनता है उसको दे करके बंटवा दिया गया। कोई लागत हमने इस पर नहीं लिखा है, और मैंने अपने प्रीफेस में डिक्लेयर भी किया है लास्ट में कि इसमें जो है जो भी भाई बंधु इसको छपवाना चाहें, मेरे इस संकल्प के साथी पुस्तक को आप तक पहुंचाने में सहयोगी भाइयों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मतलब ये हुआ, मतलब ये लोगों की सहयोग से आम लोगों तक पहुंचा, यही मकसद है। जी जी बिल्कुल, अब तक 11,000 का संकल्प हम था। चाहेंगे आपसे डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी की आप इस हनुमान चालीसा को बता दें। इस स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं, कई लोगों को हनुमान चालीसा नहीं आती है, मुझे भी हनुमान चालीसा याद नहीं है। ऐसे में अगर आप बताने का कष्ट करें तो हो सकता है मेरे साथ कई दर्शक भी हनुमान चालीसा सुन लेंगे। देखिए, वैसे तो पहले आपको ये बता दें कि ये हनुमान चालीसा जो है जहानाबाद में हमारे पतंजलि के चिकित्सालय के जो ओनर हैं, बड़े भक्त वत्सल, वैसे तो भतीजा लगते हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन पूरा परिवार बहुत सात्विक है, हनुमत भक्त है, और संभवतः यहाँ ये पुस्तक उपलब्ध होने चाहिए। हनुमान चालीसा के भी पाठन का एक समय निर्धारित है, कभी उस विषय पर भी बात करेंगे। तो हनुमान जी का पूजा शुभ मुहूर्त में, विशेषकर मंगलवार के दिन आप पंचोपचार विधि से आप अपने घर में मंदिर में हनुमान चालीसा का सामान्य पाठ है, जैसे जो हमने संपुट लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रजा श्री राम जय राम जय जय राम, निज मन मुकुर सुधार श्री राम जय राम जय जय राम, बंधव रघुबर बिमल जसा श्री राम जय राम जय जय राम, हरहु कलेश विकार सिया बल राम चंद्र की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री राम जय राम जय जय राम, जय कपीश तिहु लोक उजागर श्री राम जय राम जय जय राम, राम दूत अतुलित बल धामा श्री राम जय राम जय जय राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा श्री राम जय राम जय जय राम, महावीर विक्रम बजरंगी श्री राम जय राम जय जय राम, कुमत निवार सुमत के संगी श्री राम जय राम जय जय राम। तो पाठ का क्रम मतलब इसमें अंतिम की पंक्ति में, हर पंक्ति में श्री राम जय जय राम का जी, इसी को संपुट कहते हैं। संपुट एक संकल्प के रूप में लिया जाता है, लोग आधी व्याधि से ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ लोग कराते हैं। तो संपुट में बंधव रघुबर बिमल जैसा जो दायक फलचार, तो ये जो संपुट में बहुत सारे मंत्र हैं, मंगल भवना मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर विहारी, संपुट सुंदरकांड वगैरह का लोग पाठ कराते हैं। तो शुरू के मंत्र और बीच की पंक्तियां, फिर अंत के जो मंत्र होते हैं, ये संपुट कहलाता है। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसा आपका नंबर भी है जो मंगाना चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ऐसा कोई नंबर या फिर कोई ईमेल? जी जी, नंबर भी हैं, ईमेल भी हैं, हनुमान चालीसा आपके हाथ में है और उपलब्ध हो जाएगा, इस पे नंबर भी लिखा हुआ है। और एक प्रयास है अपना, प्राच्य विद्या शोध संस्थान और प्राकृतिक निकुंज प्राकृतिक चिकित्सा के पाटलिपुत्रा में एक हमारा स्थान है, प्राच्य विद्या शोध संस्थान जो अपना विषय है, उसमें अपना प्रयास है कि जितनी प्राचीन विधाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं, चाहे वो मंत्रों के माध्यम से हो, चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हो, या किसी ऐसे सन्यासी या किसी ऐसे जानकार जो किसी विशेष चीज को जाते हैं, जो विधाएं विलुप्त होती जा रही हैं, उसको प्रमोट करने का कार्य जो है हम लोग प्राची विद्या शोध संस्थान की तरफ से करते हैं। और हमारी सेवा, हमारी आवश्यकता और मेरी उपलब्धता बिल्कुल सरल है, आप जहाँ कहें आप हम लोग उपस्थित हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ थे साहित्य लेखक डॉक्टर पंकज पांडे थे, इन्होंने हनुमान चालीसा संपुट का जो है एक प्रकाशन के माध्यम से बुक प्रकाशित किया है और इसे निःशुल्क आम लोगों तक पहुंचाने की मुहिम चला रहे हैं, ताकि जो लोग हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ सकें और लोगों तक आसानी से हनुमान चालीसा मुहैया हो सके।